हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेकओवर डायरीज बाय नैना। और मैं हूँ नैना। महाराष्ट्र में मकर संक्रांति के ओकेजन पर एक ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है, मैं वही आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें, क्योंकि आपको जो एंड रिजल्ट है वो देखने में मज़ा आएगा। फॉर मॉइस्चराइज़र मैंने यूज़ किया है लैक्मे पीच मिल मॉइस्चराइज़र। ये बहुत ही लाइट वेट है और इसका स्मेल बहुत अच्छा लगता है। फॉर माई लिप्स मैंने यूज़ किया है वैसलीन लिप थेरेपी ओरिजिनल। मेरी स्किन बहुत ड्राई है इसीलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है गुड वाइब्स का रोज हिप रेडियंट ग्लो फेस सीरम। यहाँ पे मैं एक मिक्स क्लियर का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, जिसमें से मैंने ब्राउन शेड पिक किया है टू फिल माय आईब्रोज। एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से मैं अपने आईब्रो फिल कर रही हूँ और ब्राउन कलर से बहुत ही नेचुरल लुक आता है आईब्रो का। फॉर प्राइमर मैं यूज़ कर रही हूँ H&H का प्रेप एंड प्राइम। दिस इज द जेल बेस्ड पोर रिफाइंड प्राइमर। फॉर माई बेस मैं यहाँ यूज कर रही हूँ पॉन्ड्स बीबी क्रीम का एंड शेड है ओरिजिनल 01। ब्रश की हेल्प से मैं पूरे चेहरे पे अच्छे से उसे ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहिए तो ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज कर सकते हो। फॉर कंसीलर एले गर्ल का प्रो कंसीलर यूज कर रही हूँ इन द शेड क्रीमी बेज एंड इसे मैं एज ए हाईलाइटर भी यूज करूँगी एंड ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मेकअप को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे सन एक्सपर्ट अल्ट्रा मैट कॉम्पैक्ट। आँखों के नीचे मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ और पूरे फेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रश। फॉर माय आई शेडो मैंने यूज़ किया है मिस क्लेयर का आई शेडो पैलेट और उसमें से ये ब्राउन कलर मैंने पिक किया है फॉर माय क्रीजीज। देन सेम पैलेट में से मैं रेड कलर पिक करूँगी और मेरे क्रीज पे और आई लिड पे उसे लगाऊंगी। उसके बाद मैं ब्लैक कलर पिक करके मेरे आउटर वी पे हल्के हाथों से उसे डिपॉजिट करूंगी ताकि मुझे थोड़ा स्मोकी इफेक्ट मिले। यहाँ पे मैंने एक शिमर लिया है जो कॉपर शेड में है, मैं उसे अपने आई लिड पे फिंगर टिप की हेल्प से डिपॉजिट करूंगी। देन उसके ऊपर ये गोल्डन शेड में लगाऊंगी ताकि वो शिमर और उभर के आए। सेम आई शेडो पैलेट से मैं ब्राउन कलर पिक करूंगी और मेरे आई वाटर लाइन के नीचे ब्रश की हेल्प से उसे अच्छे से लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने एक सिल्वर कलर लिया है और पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं अपने आंखों के कॉर्नर पे उसे लगाऊंगी ताकि मेरी आंखें बड़ी लगे और मेरे ब्रो बोन को भी मैं सेम कलर से हाईलाइट करूंगी। एंड सेम पैलेट में से मैंने ब्राउन कलर पिक किया है और इससे मैं मेरे फेस को कॉन्टोर करूंगी अच्छे से। और आपने देखा मैंने एक ब्राउन शेड बहुत जगह पे यूज़ किया है टू फिल माय आईब्रोज, कॉन्टोर माय फेस फॉर आई शेडो पर्पज। सो ये ज़रूरी नहीं है आपके पास हर एक के लिए अलग अलग प्रोडक्ट हो, आप एक प्रोडक्ट का अलग अलग तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद मैंने लिया है फेसेस कनाडा का अल्टाइम प्रो फेस पैलेट, उसमें से मैंने ये ब्लश सिलेक्ट किया है टू ब्लश माय चीक्स। एंड सेम पैलेट में से ये जो हाइलाइटिंग शेड है उसका मैं एज अ हाइलाइटर यूज करूंगी। फैन ब्रश की हेल्प से मैं मेरे चीक बोन्स को, मेरे टिप ऑफ द नोज, ब्रो बोन, चिन को अच्छे से हाईलाइट करूंगी। फॉर आईलाइनर मैं यूज करूंगी NYB का लिक्विड आईलाइनर, मैट आईलाइनर। आज मैं यहाँ ब्लैक काजल नहीं यूज करूंगी, मैंने यूज किया है फेसेस कनाडा का लॉन्ग वेयर आई पेंसिल इन द शेड स्मोक 18। फॉर मस्कारा मैं यूज करूंगी एलेन ब्लू का हाई वॉल्यूम वाटरप्रूफ मस्कारा इंटेंस ब्लैक। टू डिफाइन माई लिप लाइन मैं यूज करूंगी बेला वोस्टे का लिप डिफाइनर जो ब्राउन शेड में है। फॉर लिपस्टिक यूज कर रही हूँ शुगर का क्रेयॉन लिपस्टिक इन द शेड 03।
एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक। और ये ज्वेलरी जो मैंने पहनी है, इसे हम मराठी में बोलते हैं हलव्याचे दागिने। एंड मकर संक्रांति के दिनों में जिनकी नई शादी हुई है और जिनका ये पहला त्यौहार है शादी के बाद, वो लड़कियाँ ऐसे श्रृंगार करती है ये ज्वेलरी पहन के। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं नए वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए।